नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बेस की इस खास वीडियो में। अगर आप भी सोना खरीदने वाले हो या सोने में निवेश करने वाले हो ताकि बाद में सोने की कीमतों में तेजी आने पर सोना बेचकर मोटी कमाई कर सको, लेकिन क्या आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में तेजी आएगी? क्या सोना खरीदकर आप मोटी कमाई कर पाओगे? क्या आपको सोने में फायदा होगा या नहीं? अगर आप सोना खरीदने वाले हो तो सोने में निवेश के 5 बड़े नुकसान के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और इसमें पहली बड़ी वजह है गोल्ड ज्वेलरी। जी हाँ, मार्केट की ज्यादातर जानकार सुझाव देते हैं कि हमें निवेश के तौर पर सोने की ज्वेलरी खरीदने से बचना चाहिए। दरअसल जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसका मेकिंग चार्ज समेत कई शुल्क भी देना पड़ता है। ज्वेलरी की डिजाइन के आधार पर मेकिंग चार्ज भी बढ़ता रहता है और सोने की ज्वेलरी बनाने में 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इसे बेचने जाते हो तो ज्वेलर का मेकिंग चार्ज या दूसरे चार्ज से कोई भी मतलब नहीं होता। यानी कि अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद कर मोटी कमाई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे आपको बड़ा नुकसान होगा। आपके सोने की ज्वेलरी का सिर्फ 60% पैसा ही आपको वापस मिलेगा। और इसके बाद दूसरा बड़ा कारण है गोल्ड प्राइस। जी हाँ, भारत में ऐसे कई सारे लोग है जिन्हें यह भी नहीं पता कि भारत में सोने का भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से बदलता रहता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर अमेरिका और चीन के बीच में तनाव हुआ या डॉलर में कोई भी परिवर्तन हुआ तो इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ेगा, जिसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों पर भी पड़ेगा। और इसके बाद तीसरा बड़ा कारण है लिक्विडिटी, यानी कि तरलता। जी हाँ, सोने को जरूरत का साथी माना जाता है, लेकिन दुनिया भर में फैली महामारी की वजह से कई सारे सोनार पुराने सोने को नहीं खरीद रहे। यानी कि कई बार सोने से हम पैसा नहीं निकाल पाते और गहनों में सबसे ज्यादा शुद्धता को ध्यान में रखना पड़ता है। इसी के साथ में सोने के भाव भी बड़ी बाधा बनती है। और इसके बाद चौथी बड़ी वजह है सोने के सिक्के या बार। जी हाँ, सोने के सिक्के या बार में निवेश भी नुकसान वाला है, क्योंकि जब भी आप इसे बेचते हो तो आपको कम अमाउंट मिलता है। बैंक में एक बार बेचने के बाद गोल्ड बार या सिक्के को दोबारा नहीं खरीदती, और इसीलिए आपको इसे स्थानीय स्तर के सोनार को ही बेचना पड़ता है, जिसमें आपको सही दाम शायद ही मिल पाता है। चलिए, तो इसी के साथ में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बड़ा है। और इसी के साथ में रोजाना सोने और चांदी के भावों को जानने के साथ ही काम की बड़ी खबरों को जानने के लिए गोल्डन बेस को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दे।